में सासाराम कचहरी पर स्थित ऑडिटोरियम हॉल में, और यहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि 50 बेड का रैन बसेरा का इंतजाम किया गया है, जो कि नगर परिषद सासाराम के द्वारा किया गया है। आपको बताते चले कि इस कड़ाके की ठंड में कोई भी गरीब रात्रि को बाहर सोने के लिए विवश न हो, उसके लिए नगर परिषद द्वारा काफ़ी एक सराहनीय कदम उठाया गया है, जो कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं। इस पूरे हॉल में यहाँ पर 50 बेड जो कि लगाया गया, इसके साथ साथ कंबल और तकिया और बेडशीट सारे चीज़ों का इंतजाम किया गया है। और आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे पीने के लिए पेयजल की भी उपलब्धता नगर परिषद सासाराम के द्वारा कराई गई है। आपको बताते चले कि रैन बसेरा एक वैसा जगह जहाँ पर रात्रि में सोने का, यानी कि रात रात के विश्राम करने के लिए एक जगह बनाया जाता है, जो कि बाहर के जो भी गरीब लोग हैं, जो बाहर सोने को मजबूर न हो और बाहर ही न रह पे इस कड़ाके की ठंड में, उनके लिए ये नगर परिषद सासाराम द्वारा एक काफ़ी सराहनीय कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि बीते शनिवार को इसका उद्घाटन जो कि नगर परिषद सासाराम के ईओ हैं अभिषेक आनंद के द्वारा किया गया था, और अभी यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं जो कि आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर कुछ लोग अभी रुके हुए हैं, और इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर अभी कोरोना काल चल रहा है पूरे देश में, नहीं पूरे विश्व में, और उसको देखते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि एक बेड से दूसरे बेड की दूरी जो है कम से कम 1 मीटर रखा गया है। और इसके साथ साथ अब चलिए हम सुनते हैं सासाराम नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभिषेक आनंद को, वो सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो व्यवस्था दी गई है निःशुल्क है या इसके लिए कोई चार्जेबल है, और इसके तहत इसमें क्या क्या जो भी लोग विश्राम करेंगे रात्रि में उनके लिए क्या क्या और व्यवस्था करी गई है, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे नगर परिषद के ईओ से। के पास स्थित ऑडिटोरियम में वहाँ पर रैन बसेरा कराने के लिए 50 बेड का इंतजाम किया गया है, जो कि नगर परिषद सासाराम के द्वारा किया गया है, तो आपके मन में ये विचार कैसे आया सर? एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री साहब का यह हमारे प्रतिनिधिदेश भी है और उनका यह विचार भी है कि जो भी शहर में जिनके पास आश्रय नहीं है रहने के लिए, और ख़ासकर वो लोग जो रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, दिन भर अपना काम करते हैं और रात में उनके पास रहने के लिए, ख़ासकर जो जाड़ा का समय नहीं हो, तो उनके लिए ये व्यवस्था हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब का भी निर्देश है और माननीय उच्च न्यायालय का भी ये निर्देश है कि शहरों में इसकी व्यवस्था की जाए, और उसी के दिशा निर्देश में हम लोगों ने इसकी व्यवस्था किया है। और ऑडिटोरियम सासाराम के जो कराघर मोड़ है, यहाँ पे एक ऑडिटोरियम है, उसको अस्थाई रूप में हम लोगों ने 50 बेड का एक इसकी व्यवस्था किया रहने के लिए, ये अस्थाई है। और हमारे पास परमानेंट रैन बसेरा भी है जो गीता घाट कॉलोनी में है, वहाँ पे भी जो निराश्रित लोग हैं वो आके वहाँ पे रह सकते हैं, और जिनके लिए रात में रुकते हैं तो उनके लिए बेड है, तकिया है, वहाँ पे बेडशीट है, उस पर कंबल है, और जलाने के लिए लकड़ी भी है जो कि बाहर में रखा रहता है, उसको जलाने से जो भी हो उसके से गर्मी लिया जा सकता है, और सैनिटाइज़र है, और पानी की व्यवस्था यहाँ पे किया गया है, और साथ में सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहाँ पे हमारे जो भी कर्मी हैं वहाँ पे ड्यूटी करते हैं। सर, हम आगे आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने बताया कि इतनी सारी सुविधाएं लोगों को दी जा रही है, तो क्या इसके लिए कोई चार्ज भी दिया जा रहा है या फिर निःशुल्क व्यवस्था किया गया है? नहीं, ये पूर्णतः निःशुल्क व्यवस्था किया गया है, ये गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर करती है और हम लोग गवर्नमेंट के दिशा निर्देश में ही काम करते हैं, उन्हीं के जो दिशा निर्देश मिलता है उसी के अनुसार काम करते हैं, और ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें से कोई भी नगर परिषद क्षेत्रांतर्गत कहीं के भी कोई आदमी यहाँ पे है, यदि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो वो इस जो भी आश्रय बनाया गया है यहाँ पे आके वो रह सकता है, बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। यहाँ पे सर अभी सिर्फ 50 बेड है, तो क्या कुछ कम नहीं है लोगों के हिसाब से? अभी फिलहाल ये 50 बेड बनाया गया है, ये अस्थाई है, और दूसरे जगह जो हमारा परमानेंट है उसमें भी लगभग 40 के आसपास बेड है, और यदि आवश्यकता हुई तो हम लोग फिर दूसरी बिल्डिंग को एक्वायर करेंगे, रूल के अनुसार जो भी है उसको हम एक्वायर करेंगे, फिर वहाँ पे भी हम जैसे आवश्यकता होगी तो हम वहाँ पे भी इस तरह की व्यवस्था करेंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे कि यहाँ पे लोगों को रहने के लिए क्या 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 प्रोसेस है? डायरेक्ट रह सकते हैं या फिर कुछ प्रोसेस से गुजरना होगा? नहीं, कोई प्रोसेस कोई खास लेंदी नहीं है, बस उनके पास आधार कार्ड हो या कोई भी लगना चाहिए कि हाँ ये यहाँ के उनको नीड है उसकी, तो हम लोग उसको रात में वहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क वहाँ पे रहने देते हैं।
अभी आपने सुना सासाराम नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभिषेक आनंद को, उन्होंने बताया कि जो रैन बसेरा में ये जो 50 बेड का इंतजाम किया गया, इसके लिए किसी से कोई भी चार्ज नहीं ली जाएगी, यानी कि पूरी की पूरी निःशुल्क व्यवस्था की गई है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।